500 और 1000 की नोट नोटे बह रही है गंगा जी, नोटे बह रही है। कोई बचने वाला नहीं। देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला मास्टर स्ट्रोक। नमस्ते। कि 30 दिसंबर के बाद तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पर बैन लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन वालों को नया सरप्राइज देंगे, या कहें सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी और बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा। नोटबंदी के बाद काले धन वालों के लिए पीएम मोदी का नया सरप्राइज क्या होगा, कैसी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ये बताने से पहले देखिए किस तरह हिंदुस्तान में नोट बैन से पाकिस्तान का उड़ गया चैन। अभी मैं भी न्यूज में ये देख रही थी कि मोदी साहब ने 500 और 1000 के नोट जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया कि करप्शन खत्म होगी। वाकई करप्शन खत्म? ये हम भी यहाँ पे रोते रहते हैं कि ये जो इसके पीछे आइडिया क्या है कि लोग जो दौलत छुपा के रखते हैं उसको फॉर्म जो है दौलत जो है नोट छुपा के रखने हैं ना, तो वो उसमें 1000 के और जो 5000 के आप जब कर देते हैं तो छुपाना आसान हो जाता है। मोदी साहब का ये बड़ा फैसला है, वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट, इसके पीछे एक बड़ी थिंकिंग खड़ी है। मोदी के एक्शन से नवाज शरीफ की क्यों बढ़ी टेंशन? एक बहुत अहम मसला जो पाकिस्तान और भारत में यकसा है वो है काले धन की रेल पेल, टैक्स ना देने वालों के पास है काले धन के अंबार, और ये मसला पाकिस्तान और भारत का मुश्तरका मसला है। आप देख रहे हैं कि इस मसले को भारत कैसे हल कर रहा है और हम इस मामले में क्या कर रहे हैं। नोट से नवाज का तख्ता पलट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। अभी तो सिर्फ आपको नोट ही नोट नजर आ रहे थे, अब ये आपके सामने मैं हूं ये बताने के लिए कि नोट से नवाज का तख्ता पलट हो सकता है क्या। 500 और 1000 के नोट बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। ये कदम नोटबंदी से भी बड़ा हो सकता है। काला धन रखने वालों के खिलाफ मोदी सरकार के अगले कदम के बारे में आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले बात पीएम मोदी के एक्शन से नवाज की बड़ी टेंशन की करते हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी अभियान का असर पाकिस्तान में भी दिख रहा है। पाकिस्तान में आम लोगों से लेकर विपक्षी दलों का दबाव नवाज सरकार पर बढ़ने लगा है। कैसे? बीते कई महीनों से नवाज के तख्ता पलट की बनी आशंकाओं के बीच इस दबाव का नतीजा कुछ भी हो सकता है, तख्ता पलट भी। बहुत बहुत बड़े स्तर पे एक घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ सबूत पिछले दिनों में सामने आए हैं। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। विश्लेषण कर लेते तो उसका कारण बड़ा स्पष्ट था कि 31 अगस्त को पे कमीशन के एरियर्स रिलीज हुए थे, इसलिए आया। प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी साहब जो है, ये बड़ा फैसला है। मोदी की करेंसी क्रांति के विरोध में विपक्ष, लेकिन कायल हुआ पाकिस्तान। 500 और 1000 के नोट भ्रष्टाचार और आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा पाकिस्तान में भी जोर शोर से हो रही है।
भारत ने इस सिलसिले में एक बड़ी पहल की है, एक बहुत बड़ी गैर मामूली कार्रवाई की है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज यानी परसों, जब सारी दुनिया परसों रात उसकी तवज्जो मरकूज थी अमरीकी सदारती इंतखाबात में, वो अचानक कौम से खिताब के लिए नमूदार हुए मंगल की शब रात 8 बजे के करीब, और उन्होंने भारत में मौजूद काले धन पर एक बम गिराया। अभी मैं भी न्यूज में ये देख रही थी कि मोदी साहब ने 500 और 1000 के नोट जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया। मोदी साहब का ये बड़ा फैसला है, वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट। इसके पीछे एक बड़ी थिंकिंग खड़ी है, एक बड़ा एक उस पर कंसेप्ट खड़ा हुआ है कि करप्शन तो रुकेगी, इस पे लोग डिस्करेज होंगे नोट या करप्शन का थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा, और इसका एक और बड़ा एक इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन। भारत में जहां विपक्ष अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोदी सरकार के इस कदम को गलत साबित करने पर तुला है। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, उसके पहले इन्होंने अपने सारे दोस्तों को जिनके पास असल में इस देश का सारा काला धन है उनको और भाजपा के लोगों को पहले से सतर्क कर दिया था, और उन लोगों ने अपना अपना माल ठिकाने लगा दिया था। मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है, मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। वहीं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की तारीफ हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया और आर्थिक विशेषज्ञों की जमात अब नवाज शरीफ से पीएम मोदी जैसे कदम उठाने का दबाव डालने लगी है। मोदी साहब ने 500 और 1000 के नोट जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया कि करप्शन खत्म होगी। वाकई करप्शन खत्म होगा? साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी साहब जो हैं, ये बड़ा फैसला है कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इंडिया बड़ा मुल्क है, उनकी इंडस्ट्री, उनका बिजनेस, ये बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है उन्होंने एक ब्लो मारा है उस तबके पे जो वहाँ पे एक आप कह सकते हैं उनकी गैर कानूनी इकॉनमी है। ठीक है, इसके साथ ही जिस तरह से ये बड़ा इकदाम किया गया, उम्मीद है कि पाकिस्तान भी शायद इस किस्म का कोई बड़ा फैसला सामने लिया। भारत में इस समय सबसे बड़ा नोट 2000 रुपए का है जो 8 नवंबर के बाद जारी हुआ, जबकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट 5000 रुपए का है। 5000 रुपए का ये पाकिस्तानी नोट देखिए। इस नोट को साल 2006 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में जारी किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद उस्मान सैफुल्लाह खान ने नवाज सरकार से पीएम मोदी की तरह कदम उठाने की मांग की है। सैफुल्लाह ने कहा पाकिस्तान सरकार को 1000 और 5000 के पुराने नोट बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अगर जल्द ऐसे कदम नहीं उठाए गए तो पाकिस्तान में बुरे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की जो मईशत है मोदी साहब के आने के बाद खासी बेहतर हुई है, क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़े दावे करती है कि हमने मईशत में बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, बड़ी बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं, लेकिन जब भी कभी इस किस्म की बात आती है कि पैसा कहाँ गया पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का पैसा कहाँ गया, तो वो बैरून मुल्क से बरामद होता है, क्या वजह है कि इसके लिए क्या खुद चेक मौजूद नहीं है प्रॉपरली, या फिर ऐसा है कि खुद हमारे सियासतदान ही इन चीजों में मुलव्वस है कि वो ऐसी कोई पॉलिसी बना ही नहीं पाते? देखें, बेसिकली जिस मुल्क में 3000 अरब रुपया एक साल में चोरी होता हो, आप मुझे बताइए कि उस मुल्क की मईशत का क्या हाल होगा। यहाँ पर 1000 या 500 करीब 5000 रुपए के नोट गर्दिश करते हैं, 5000 के नोट का बड़ा कलीदी किरदार होता है दूसरे मामलों के अलावा पाकिस्तान में रिश्वत अदा करने में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगते रहे हैं। पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद नवाज सरकार पर इमरान खान से लेकर सभी विपक्षी पार्टियों के हमले तेज होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता में नवाज का मजाक बनने लगा है। रोज रोज मियां साहब तू लंदन आता जाता है, तुझे कसम है सच बताए पैसा कहां से आता है, तुझे कसम है सच बताए पैसा कहां से आता है। नवाज सरकार के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि भारत में 500 और 1000 के पुराने नोट बैन होने के बाद पाकिस्तान के 12 लाख करोड़ रुपए रातों रात डूब गए। आईएसआई के जाली नोटों के काले कारोबार पर ब्रेक लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो 500 और 1000 के नोट बैन के बाद देश भर में आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि वाकिफ नहीं है। मोदी सरकार ने लोगों की परेशानी के हल की डेडलाइन भी आज दे दी है, लेकिन काला धन वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कड़ी कार्रवाई होगी। काला धन रखने वालों को ये चेतावनी किसी और ने नहीं, देश के मुखिया पीएम मोदी ने दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की अगली सर्जिकल स्ट्राइक क्या होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। We'll be right back.
ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता, नोटे बह रही है गंगा जी, नोटे बह रही है। काले धन के खिलाफ आर पार की लड़ाई में 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। ये संकेत खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं कि 30 दिसंबर के बाद तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। आ जाइए, नहीं आना है तो आप जानो, आपका नसीब जाने, और आपका नसीब नहीं, आपके बेटों का नसीब की चिंता करो। जापान के कोबे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि काला धन रखने वालों को आगे भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। जितने लोगों को नए लाना पड़ेगा ला करके भी इस काम में लगाऊंगा। हां, ईमानदारी का है उसका जय जयकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहां। लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है। पैसे मिले या न मिले, पुण्य तो मिल जाएगा। 500 और 1000 के पुराने नोट पर बैन के बाद लगातार तीसरे दिन बैंकों के बाहर लोगों की लंबी भीड़ रही। देश भर के एटीएम में लंबी कतारें लगी। एटीएम में पैसे की कमी और लंबी लाइनों की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन परेशानी के बाद भी देश के ज्यादातर लोगों ने मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। तुम्हें शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 के नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो, ऐसा भी चल रहा था। लेकिन मैं देश के लोगों को 100-100 सलाम करता हूं, कोई 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोई 6 घंटे खड़ा रहा, लेकिन तकलीफ झेली, लेकिन देश के हित में इस निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भी समर्थन किया है। We congratulate our Prime Minister for such a strong and bold move with a larger, longer overview vision of working towards erasing corruption. And with that longer vision in mind, it's important for everybody to recognize and appreciate the current step. देश के लिए क्या सही है? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हमको इतना नहीं देखना चाहिए। जो चीज हमको देश के लिए करनी है वो हमको करनी चाहिए, फिर उसमें मेरी फिल्म को नुकसान हो वो छोटी बात है। परेशानियां हुई है टू गो टू द बैंक्स एंड गेट मनी आउट, और नई करेंसी भी प्रिंट हुई है, और इसको मेरे ख्याल से कुछ समय लग जाएगा टू सेटल डाउन। मगर जब सेटल होगा तो उम्मीद यही करते हैं कि ये जो एक
डिसीशन जो ली है हमारे सरकार ने, वो उसका जो रिजल्ट्स होगा वो आगे जाके हम सबको बहुत फायदा देगा। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, जनता की मन की बात सुनते हैं। आज थोड़ी तकलीफ हमें हो रही है, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, उज्जवल दिखाई दे रहा है, हर एक को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक देश में नोटों की दिक्कत दूर होने में अभी 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। परेशानी है लेकिन आगे का रास्ता बहुत साफ है, दिक्कत भरा उनके लिए जो नोट बटोर कर रखते थे, जो देश को धोखा देते थे। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले, कल रात दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में नमक की कमी की अफवाह फैली, लोगों में अफरा तफरी मच गई। सरकार के भरोसे के बाद यह अफवाह तो थम गई, लेकिन सवाल रह गया कि आखिर सफेद नमक की काली अफवाह के पीछे हाथ किसका था। देखते जाइए। मैंने भी जब न्यूज में देखा, मैं भी नीचे उतर गया, मैंने भी पूछा भैया ऐसा क्या है, तो ये दुकानदार कह रहे भैया कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे यहाँ आओ, 18 रुपए की थाली लेके चले जाओ। रात मैंने कुछ 16 रुपए किलो 200 रुपए खुद लिया है। एक अफवाह उड़ती है और दुकानों से नमक गायब होना शुरू हो जाता है। लोग अफवाह पर यकीन कर लेते हैं और देखते ही देखते अफरा तफरी मच जाती है। यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और मुंबई तक अफवाहों की लहर इस कदर पसरती चली गई कि चारों तरफ खलबली फैल गई। हकीकत समझने से पहले लोग दुकानों की तरफ दौड़ पड़े। इस तरह की अफवाह फैलाई, अपना सामान बेचा। ये अफवाह जो भैया फैली है सिर्फ 500 और 1000 के नोट बंद की वजह से फैली है। एक्चुअली क्या है, कुछ मेटल, कुछ खाने पीने की आइटम्स, इन आइटम्स में ना इन्वेस्टर घुस गया है। जो पैसा ब्लैक मनी था वो सारा का सारा लोग ना इस सॉलिड मेटल में या सॉलिड आइटम में लगाते जा रहे हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी से एक अफवाह उड़ी कि नमक की कमी हो गई है, लिहाजा नमक महंगा होने जा रहा है। ये अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई, जो जहां था नमक लेने दौड़ पड़ा। तमाम इलाकों में नमक को लेकर कल रात जबरदस्त अफवाह फैली और कई इलाकों में नमक की जबरदस्त खरीदारी हुई। इस वक्त हम लोग मयूर विहार फेज 2 में हैं, हम यहाँ पर एक शॉप पर हैं, उनसे हम पूछते हैं। भाई साहब, कितनी खरीदारी कल रात में आपकी नमक की हो गई? सर मेरा 70 किलो नमक कल रात में निकला है और काफ़ी लोग 10-10 थैली लेके जा रहे थे, लेकिन मैंने नहीं दिया। मुझे जब पता, ये अफवाह एक तरह की, मुझे जब पता चला कि भाई मैंने किसी को दिया नहीं 10 किलो, लेकिन एक एक थैली मैंने दिया कि भाई आगे भी तो कस्टमर आएंगे। नमक की शॉर्टेज नहीं है इंडिया में, नमक बहुत है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ही नमक बन रहा है। 15 रुपये किलो वाला नमक 300 से 400 रुपये किलो बिकने लग गया।